मैं स्वामी साहब से ये कहूंगा कि मस्जिद मेरा घर नहीं है, वो अल्लाह का घर है। मेरा घर आपके लिए हाजिर है, आप बीजेपी छोड़ दीजिए, मेरे घर में आ जाइए। आप बीजेपी छोड़ दीजिए, मेरे घर को आ जाइए। सुनिए सुनिए स्वामी साहब, मैं आप डिस्टर्ब नहीं, काफिर बन सवाल जाएंगे। सवाल सवाल यहाँ पर घर की नहीं है, सवाल यहाँ पर इंसाफ की है। इंसाफ का मुतकाजा ये है कि क्या हम एक मॉब को अलाउ करेंगे जो जाकर मस्जिद को शहीद किया? क्या हम सुप्रीम कोर्ट से नहीं कह सकते कि आप इसको रोजमर्रा हियर करिए? तीसरी बात ये, स्वामी साहब बार बार बोलते ईरान में ऐसा हुआ। स्वामी साहब को आपको हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। ईरान में भी मुसलमान है। अरे सर, ये डेमोक्रेसी है, यहां पर फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, यहां कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां पर डाइवर्सिटी है, यहां पर प्लुरिज्म है। आप ही की सरकार जाकर यूनाइटेड नेशंस में कहती है कि प्लुरिज्म सेकुलरिज्म इस मुल्क का बुनियाद है, तो आप क्यों मेरे को ईरान से मिलाते? अरे आपका डीएनए है क्या ईरान में? मेरा तो नहीं है, मैं तो हिंदुस्तान का हूं। मुझे ईरान से क्या करना है? सऊदी अरब, मुझे हिंदुस्तान के दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, इतिहास में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, 500 साल पहले आर्टिकल 25 नहीं था, अब है आर्टिकल 25। और हम कह रहे हैं कि कानून की बुनियाद पर करिए, आप क्यों बार बार कानून के पीछे जाते हैं?